फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज है शिक्षक दिवस, तो सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के लिए। हैप्पी टीचर्स डे तो ऑल ऑफ माय टीचर्स। कि शिक्षक दिवस में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बचपन से ही, मतलब एकदम जब जन्म से अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे फर्स्ट हम लोग का लाइफ में हमारे टीचर के रूप में आते हैं हमारे मम्मी और पापा, जिसको कि हम लोग शिक्षक के रूप में मानते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग, उसके बाद का अगर मैं दौर बताऊं, तो नर्सरी से लेकर और कॉलेज तक, अप टू कॉलेज तक हमारे लाइफ में हर सब्जेक्ट के, हर विषय के शिक्षक आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो हमारे, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जीवन में शिक्षा के कितनी अहमियत है और हमारे शिक्षक जो है हमें कितना शिक्षा देते हैं। और फिर जब हम लोग अप टू कॉलेज के बाद जब कोई प्रोफेशन में आते हैं, वहाँ पर भी टीचर्स रहते हैं जो हमें गाइड करते हैं, तो एज ए गाइडर वो भी हमारे शिक्षक ही होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक होते हैं वही हमारे टीचर होते हैं, वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, अगर आप किसी को भी शिक्षा देते हैं या कोई भी चीज़ को आप उन्हें समझाते हैं और वो अगर दिल से उसको अर्जन करते हैं, तो वही हो गया शिक्षा। तो मैं भी किसी की शिक्षक बनी हूँ, कोई हमें भी आइडल मानते हैं क्योंकि वो मेरे को फॉलो करते हैं, तो मुझे भी कोई आइडल मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें शिक्षा दे सकती हूँ या मैं शिक्षा देती हूँ, तो वो हमें टीचर मानते हैं। तो एनीवेज फ्रेंड, ये तो हुआ शिक्षक दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण ये बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। बहुत सारे जन जानते भी होंगे कि शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, या नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि 5 सितंबर को हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर उनको याद करते हुए हम लोग इस दिन को आज सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारे, तो उनकी याद में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने बचपन की कुछ हैप्पी मोमेंट्स आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। मैं क्या, आप लोग के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, जैसे कि मुझे याद आ रहे हैं कि जब मैं क्लास 7-8 में थी उस समय, या उससे पहले तो उतना याद नहीं है, बट 7-8 में जब थी, तो उसमें हम लोग सब फ्रेंड्स मिलकर 10-20 रुपीज़ हम लोग कलेक्ट करते थे सब स्टूडेंट मिलकर, और फिर उसको, मतलब टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे हम लोग एक क्लासरूम को डेकोरेट करते थे जहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे, और टीचर को एक छोटा सा कुछ गिफ्ट देते थे, लाइक पेन स्टैंड, वॉच, या फ्लावर पॉट, या बुके वगैरह, ऐसे हम लोग उनको भेंट करते थे, उनको गिफ्ट देते थे। और शिक्षक की तरफ से भी हम लोगों को खाने पीने का हम लोग इंतजाम करते थे। तो वो दिन जब याद आता है ना फ्रेंड्स, बहुत खुशी मिलती है। वो दिन तो रिटर्न तो नहीं आएगा, बट वो जब सोचते हैं ना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत खुशनुमा एहसास होता है कि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो अच्छा लगता है। एनीवेज फ्रेंड्स, आज शिक्षक दिवस पर मैं एक हैप्पी मोमेंट आप लोग के सामने शेयर की, कहीं ना कहीं आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। सो दैट कि फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और हमारे जो भी शिक्षक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं अपनी तरफ से सत सत प्रणाम करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। आज का वीडियो यहाँ तक ही।